राजू राठी ने गलत वीडियो को जो है वो YouTube पे डाला था और उसको जो है अरविंद केजरीवाल ने शेयर किया था। और ये भाई साहब जो प्रवक्ता भाई साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने साफ साफ बोला कि हमारा काम है विरोध करना, सरकार का काम है योजना लाना। तो ये विरोध करने के लिए ही बैठे हैं। इन्हें पता है कि ये लोग जो है पहले गरीबों का विरोध करते थे, आज जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो गरीब हैं, जो अपने गांव से निकल के संघर्षों के दम पे सारी चीजों को ग्राउंड लेवल तक पहुंचा रहे हैं, हाँ। आज ये उनका विरोध कर रहे हैं। 72% लोग जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से जो है न्यूज को जो है देखते हैं या सरकार की योजनाओं को देखते हैं। तो आज अगर सरकार जो है प्रिंट मीडिया में जो है फ्रंट पेज पे छापती है अपनी योजना के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में देती है, हाँ। डिजिटल मीडिया में अगर जो है ऐड दे रही है, तो इन लोगों को क्यों दर्द हो रहा है? और सबसे बड़ी बात है कि सजा देने का प्रावधान तो जो है वो हाई कोर्ट निर्णय करेगा, सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगा कि किस गलती के लिए क्या सजा होना चाहिए। मेरे ऊपर NSA लगा दिया गया था बिहार सरकार और तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। मैंने कुछ गलत वीडियो नहीं बनाया था। मद्रास हाई कोर्ट का मदुरई बेंच ने NSA खारिज कर दिया। मुझे भरोसा था भारत के संविधान पे, क्योंकि मैं भारतीय हूँ और भारत से प्यार करता हूँ। इन लोगों को ना भारत के संविधान पे भरोसा है, ना ये लोग एक्चुअल में भारतीय हैं, और ना ही इन्हें भारत से प्यार है। अगर भारत से प्यार होता, भारत के संविधान के बारे में ये लोग जानते, तो शायद जो है आज योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इतना हो हल्ला नहीं मचाते। और ये लोग भी कहते हैं कि देशद्रोहियों को जो है उम्र कैद तक का सजा होना चाहिए। ये एक अच्छा स्टेप यूपी गवर्नमेंट का है। और दानिश जी का एक बार उस पर रिएक्शन लेती हूँ मैं। मनीष जी, उन्होंने कहा कि मुझ पर भी देश विरोधी होने का थप्पा लगाया, लेकिन मुझे कोर्ट पर भरोसा था, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। तो ऐसे में अगर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि देश विरोधियों पर एक्शन होगा, आप फेक न्यूज फैलाएंगे, आप अफवाह फैलाएंगे, आप देश में आग लगाने की कोशिश करेंगे, तो आप पर एक्शन होगा, तो उसके लिए कोर्ट्स भी हैं। आप क्यों नहीं सोचते हैं कि इसमें अगर योगी आदित्यनाथ की पॉलिसी सिर्फ पॉलिसी है, उसके तहत ऐसा किसी पर किसी की जिंदगी खराब नहीं की जा सकती, जैसा कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं? दानिश जी, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं। सबसे पहले तो मनीष कश्यप जो बात कह रहे हैं वो बात बिल्कुल झूठ है। देखिए अभी तक वो मैटर ट्रायल में है, उसका फैसला नहीं आ गया, तो इसलिए अभी वो बेल पे है। तो इनका ये कहना कि भाई उनका मामला सिमट गया वो और बात है। दानिश जी, इसीलिए तो आप लोगों को कुछ जानकारी नहीं होता है, बेवजह देश में आप लोग जो है ना। नहीं नहीं दानिश जी, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, मद्रास हाईकोर्ट का मदुरई बेंच ने NSA खारिज कर दिया है। दानिश जी सुनिए, आप गलत नहीं बोल सकते हैं। दिलवाई दानिश जी, दानिश जी पहले सुनिए, अरे दानिश जी हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ, पहले सुन लीजिए, करोड़ों रुपए सुन लीजिए दानिश जी। मैं हाथ अगर उन पर केस है तो आपके और मुझसे ज्यादा तो उन्हें पता होगा ना, केस तो वो भुगत रहे हैं, या आपको और मुझे ज्यादा पता है? नहीं, वो तो अखबारों में भी है, वो तो अखबारों में भी है, वो न्यूज चैनलों में भी है, वो हर जगह है। अरे मद्रास हाईकोर्ट का मदुरई एक एक करके दानिश जी बोलिए। इसने धमकी दिलवाई थी अंदर से बैठ के, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है इसी फोन में, अगर चाहिए तो दे दूंगा मैं आपको। तो रह गई बात, सुनिए मैं आपको बताऊं। मतलब अब आप बताइए, देश के जितने भी उद्योगपति हैं उनको 16 लाख करोड़ रुपए मोदी सरकार ने दे दिए। अब मैं उसका विरोध करूंगा तो अगर देश द्रोही हो जाऊंगा, बताइए तो मैं देशद्रोही हो जाऊंगा? और अगर उसका पक्षकार करूंगा तो क्या आप मेरा गुणगान करेंगे, मुझे पैसे का मुआवजा करेंगे? तो इसकी मुखालिफत कर रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, बताइए अब क्या गलत क्या है? सोशल मीडिया पे एक बात बताइए, हमारे प्रिय दानिश भैया, हमारे प्रिय दानिश भैया, जब मैं बिहार के मजदूरों के लिए आवाज उठाया था और आप लोगों का समर्थक गवर्नमेंट मेरे ऊपर NSA लगाया था, तो अरे आपने क्या आवाज उठाई है? सारी आवाज मैं जानता हूँ, बताइए, छोड़ दीजिए। अच्छा ठीक है, एक मिनट
अनामिका जी के पास जाएंगे। अनामिका जी जरा मुझे बताइए, ये लोग जो ये जो बात बार बार कही जा रही है कि पैसा दिया जा रहा है, भाई योगी जी की बढ़ाई करिए, वाहवाही करिए तो आपको पैसा मिलेगा। मुझे तो ऐसा लगता है सोशल मीडिया पर एक पूरा एक ऐसा एक ऐसे लोगों की भरमार है जिनको अभी कोई पैसा नहीं मिल रहा है लेकिन वो वाहवाही कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की। देखिए सुचरिता जी, जिस समय यूपी में बाबा मेरा एक बहु प्रसिद्ध गीत आया था, लोगों तक पहुंचा था, जिसके कारण कई बार आपके टीवी चैनल पर आपके इस चैनल पर डिबेट भी हुई। यूपी में बाबा जब गीत आया था, वो गीत वो बहुत बड़ा आरोप का खंडन था जिस गीत को मैं लेकर के आई थी। और मैं इस बात को सार्वजनिक रूप से अच्छे से यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि उस गीत के लिए किसी को ये पता भी नहीं था, ना तो मेरे से कहा गया था कि वो गीत लिखना है, ना ही उसमें एक रुपए तो फिर भी है कि जिस बात की बात चल रही है कि लोग कह रहे हैं कि पैसा लेते हैं, कोई पैसा उसके लिए नहीं गया। इसके अलावा उसके कारण ऐसा भी नहीं हुआ कि कहीं पे बुला करके कोई सरकारी पुरस्कार इस तरह का दे दिया गया है कि अनामिका आपने वाहवाही कर दी है तो आप जाकर के ये बात कीजिए। सीधी बात है कि मुझे अपने प्रदेश में, अपने उस कोने में जो बुंदेलखंड का एक एरिया है जिसको पिछली सरकारों ने देखा तक नहीं, जो बुंदेलखंड का जो एरिया था वो जो पूरा का पूरा गर्त में गया हुआ था, उसमें जो तरक्की मैंने देखी और जब आक्षेप लगे, जो विरोध हुआ, जो पूछा गया कि क्या है क्या है क्या है काबा, उसका मैंने उत्तर दिया था। ये इसलिए उत्तर दिया था कि वहां के लोगों की बात मैं लोगों तक पहुंचा सकूं, और हुआ भी, कई विवादों में घिर कर भी पुनः समर्थन पा गए, तब काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। तो ये जनता का ही एक वोट था, जनता का ही मन था कि बाबा फिर से आए, तो ये बात तो खारिज है। अब दूसरी बात जो बार बार ये कही जा रही है कि जब हम देश का विरोध, हम जब देश की बात करते हैं और बीजेपी का विरोध करते हैं तो लोग कहते हैं कि देश का विरोध कर दिया, हम सिर्फ बीजेपी की विरोध करते हैं। आप मुझसे पूछे, आप कहते हैं कि हम इन्फ्लुएंसर्स को, हम यूट्यूब पे बात करने वालों को, हमें सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए पैसे मिले हैं? जी नहीं, हमें उनको योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपने मन की बात रखने के लिए केवल और केवल तमगे मिले हैं, और वो भी ये कहा गया है कि आप सरकारी कवित्री हैं, आप चमचागिरी करते हैं, आप चाटुकार हैं, ये बातें मिली हैं, वो बातें नहीं मिली है। लेकिन उसके बाद भी हमारा मन है कि लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, हमारा मन है कि लोगों तक वो बातें पहुंचे जो सही है, हमारा मन है कि हम लोगों तक सच्चाई पहुंचाए, वो सच्चाई जो इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में। एक और सवाल है, एक और सवाल है, मैं एक बार जरा लोगों से सुनिए अनामिका जी, मैं एक बार जरा लोगों इस मन के लिए कहीं उत्तर प्रदेश सरकार इस सृजनशीलता के लिए, इस मन के लिए, सच्चाई के लिए, देश हित में, समाज हित में किए जाने वाले काम के लिए आज एक ये प्रयास कर रही है, आज एक उन घरों तक यदि आर्थिक लाभ पहुंचाए जा रहे हैं, मैंने बताया दोनों लाभ है। नहीं, अब मेरा एक और सवाल है, मैं वो सवाल इसलिए पूछना चाह रही हूँ अनामिका जी, जब लोग ये